गुरु तत्व क्या है थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए वेदों में शास्त्रों में पुराणों में सर्वत्र तीन ही तत्व बताए गए हैं एक तेयम नित्य नाता परम वेदित किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरित रंच मर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में वेद मंत्रों में बताया गया कि एक जीव है एक माया है एक भगवान है ये तीन तत्व हैं, चौथा कोई तत्व न था न है न होगा ये गुरु तत्व कहां से टपक पड़ा ये क्या है ये गुरु होता क्या है भगवान की दो शक्तियां हैं एक जीव एक माया एक चेतन शक्ति जीव जड़ शक्ति माया इन दोनों का अध्यक्ष शासक शक्तिमान भगवान है बस बात खत्म गुरु तत्व क्या है गुरु तत्व इन तीनों से बाहर नहीं है कोई तत्व चौथा होता ही नहीं तो बाहर कैसे होगा <खँँग> जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको भक्त कहते हैं महापुरुष कहते हैं संत महात्मा कहते हैं जो प्राप्त कर ले ऐसे कपड़ा रंगाने से नहीं शास्त्र वेद का अध्ययन कर लेने से नहीं जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले श्री कृष्ण के दर्शन कर ले उसी का नाम महात्मा जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो उसका नाम महात्मा और जो महात्मा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा दे यानी जिसको हम जिस महात्मा को हम चुन ले ये हमको भगवान से मिला सकता है बस उस महात्मा को हम गुरु बोल देते हैं यानी महात्मा या भक्त या महापुरुष का दूसरा नाम है पर्यायवाची गुरु वो भी जीवात्मा है लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद परमात्मा के बराबर हो गया इसलिए वो हमको परमात्मा से मिला सकता है वो गुरु हो गया गु माने माया रू माने निकालने वाला माया को समाप्त कर देने वाला उसको गुरु कहते हैं तो उसी गुरु की महिमा का वर्णन हो रहा है गौरांग महाप्रभु ने कहा भक्त पद धूल और भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबौल यही सेवा है ते कृष्ण प्रेमा हो भक्त की चरण धूल भक्त का चरण की आचमन जल और भक्त का उच्छिष्ट जूठन इन तीनों के सेवन से श्री कृष्ण में प्रेम प्रकट होता है श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है तो ये गुरु तत्व इतना बड़ा है कि भगवान इसके नीचे है ध्यान दो भगवान नीचे है अरे जो भगवान को प्राप्त कर ले उसी को तो आप गुरु कह रहे हैं हां हां लेकिन प्राप्त कर लेने के बाद वो भक्त भगवान से बड़ा हो गया भगवान स्वयं कह रहे हैं औरों की बात जाने दो अहम भक्त पराधीन मैं भक्त के अंडर में हूं क्योंकि भक्त के पास भक्ति है और मैं भक्ति के अधीन हूं इसलिए भक्त के अधीन हूं इसलिए गुरु के अधीन हूं कितना आधीन हूं अनुब्रयाम्य हम नित्यम रेणु भी भागवत मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं इसलिए कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं ये श्री कृष्ण का वाक्य है इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्यम माम बिजानिया मैं उसके आधीन रहता हूं उसको मनुष्य बुद्धि उसमें मत लाओ बुद्धियासु बुद्धिया तो मनुष्य बुद्धि लाए कि अपराध हुआ और नामा अपराध हुआ कि साधना सब जीरो बट सौ क्रिया उसकी सब मनुष्य की है हाँ आदत है हमारी दूसरे में दोष देखने की तमाम जन्मों की तो उसमें भी दोष देख लेते हैं तो नामा अपराध कर बैठते हैं तो अनंत जन्म यही किया साधना भी किया ये भी करते रहे जो कमाया गमाया और दंड अलग भोगा तो ये गुरु तत्व भगवान से बड़ा है इसलिए वेद व्यास ने कहा नास्ति तत्व गुरो परम तत्वम गुरु समम नास्ति गुरु के समान कोई तत्व नहीं गुरु से परे कोई तत्व नहीं क्योंकि भगवान करेंगे क्या किसी जीव को भगवान दर्शन दे नहीं सकते इम्पॉसिबल हा अरे भगवान को दर्शन देने में कौन रोकेगा कानून संविधान बिना गुरु के भगवान किसी जीव को भक्ति दर्शन प्रेम कुछ दे ही नहीं सकते वो भगवान ने कानून बनाया है स्वयं बने हुए हैं तो यदि गुरु ना हो हमारे और भगवान के बीच में तो हम अनंत कोट कल्प भक्ति करके भी कुछ नहीं पा सकते क्योंकि हमको दिव्य प्रेम देगा कौन और फिर दिव्य प्रेम देने की बात तो दूर की है श्री कृष्ण कौन है हम कौन है श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं हमको क्या करना है ये सब श्री कृष्ण बताने आएंगे कैसे आएंगे वो तो कहते हैं भाई देखो तुम्हारा मन निर्मल हो जाए सब दिव्य हो जाए सब हिसाब किताब ठीक हो जाए तो मैं आऊं उसके पहले मैं किसी के सामने नहीं आ सकता अंदर बैठा रहूंगा चोरी चोरी कर्म को नोट करूंगा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकता मैं और अगर देंगे भी मान लो पॉइंट वन परसेंट तो क्या होगा हमारा दिमाग खराब होगा क्योंकि उनकी लीला तो मनुष्यों में भी सबसे बदतर है देखो आप इतने लोग बैठे हैं किसी का बाप खो जाए मां खो जाए बीबी खो जाए पति खो जाए बच्चा खो जाए तो कोई ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं होगा कि पेड़ों से पक्षियों से वृक्षों और लताओं से पूछे हमारा बेटा कहाँ है हमारी बीबी कहां है हमारा पति कहां है बता दो इतना अटैचमेंट आज भी पांच अरब आदमी में किसी एक का भी नहीं है ठीक है रो लेगा बहुत अटैचमेंट है तो थोड़ा हाय चौबा कर लेगा दो चार दस दिन महीने दो महीने साल दो साल बस खत्म फिर रसगुल्ला खाता है हंसता है सब काम करता है सोता है सबके माँ बाप बेटा स्त्री पति मरा करते हैं संसार में सब आराम से दस दिन बाद सब छुट्टी खत्म भूल गया कोई ऐसी समाधि में नहीं जाता कि अपने आप को भूल जाए को हम ब्रू ही सके लक्ष्मण से राम कह रहे हैं मैं कौन हूं लक्ष्मण कहते हैं आप राम हैं? अच्छा मैं राम हूं के यूजम तुम कौन हो ये हाल है देख राम देख सुन चरित्र तुम्हारे उनका चरित्र तो ऐसा विचित्र है कि विधि हरिशंभ नचावन हारे ब्रह्मा को मोह हो गया इसी ब्रज में मनुष्य की क्या है इसी साधारण जीव की क्यों मोह हुआ इसीलिए तो हुआ ना कि भगवान तो उसे कहते हैं जिसे न भूख लगे न प्यास लगे और ये ग्वालों के मुख से जूठन छीन छीन के खा रहा है एक कैसा भगवान चरित्र देख करके ही तो मोह हुआ ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो दिव्य रूप तो दिखाई नहीं पड़ेगा प्राकृत रूप दिखाई पड़ेगा और उनके चरित्र इतने विचित्र हैं कि बड़े बड़ों का भी खोपड़ा खराब हो जाए साधारण मनुष्य की क्या हैसियत तो उनके दर्शन देने का फायदा ही क्या हुआ अरे आए हैं आप लोगों ने देखा है हजार बार ऑक्यूमेंट्री कर दी ये भगवान गोपियों के पीछे पीछे घुमा करते हैं हाँ हाँ यही वाह 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 क्या तुम्हारे भगवान है कोई नहीं मानेगा हम लोगों ने भी नहीं माना उस जमाने में बुराई की ऐसे ही हमें कोई महात्मा मिला तो उसके प्रति भी हमने ऐसे ही सब किया दोष देखा कमी देखा अवगुण देखा वो चाहे जैसे रहे कपड़ा रंगाए कपड़ा क्यों रंगाए है लो अच्छा मैं सफेद पहन लिया सफेद क्यों पहने है? वो कुछ भी करे लेकिन हमारी खोपड़ी खराब है माइक है दोष देखने की आदत है तो वो बोलेगा दाढ़ी क्यों रखाए है बताता है कि मैं महात्मा हूं अच्छा कटवा दो ये दाढ़ी क्यों कटवा देता है कैसा बाबा है लो आखिर क्या करे वो कि सबको पसंद आ जाए ये हम लोगों के बीच में क्यों आता है महात्मा अरे बाबा है जंगल में जाके अपना गोपाल गोवर्धन की तरेती में राधे राधे करे अच्छा भाई जाओ वही करो कर रहा है वहां क्या राधे राधे कर रहा है हमारे बीच में आवे हमारा कल्याण करे ये तो स्वार्थी है जो वहां गोवर्धन की तरेती में राधे राधे करता है लो अब क्या करे वो कोई सूरत नहीं यही किया हम लोगों ने हर महात्मा के मिलने पर और जो दम्भी है उसके चक्कर में पड़ गए उल्टा दम्भी के चक्कर में पड़ गए और असली संत ने नामापराध कर डाला तो भगवान के दर्शन से भी कोई लाभ नहीं संत के मिलने से भी कोई लाभ नहीं जब तक हम पहले सबसे पहले थियरी समझें तत्व ज्ञान गुरु को कैसे पहचाना जाए ये सब समझें, तब हमारा काम बन सकता है